हाय गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा था, इस वीडियो में हम लोग फूटर बनाएंगे, ठीक है? तो चलिए फूटर बनाते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो देखिए ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है। ओके, चलिए शुरू करते हैं इसमें। ओके, तो ये हमारा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या बनाया था, डीवी प्रोडक्ट्स। ओके, ये वाला सेक्शन हो गया था, और ये फिल्टर्स के पहले वाले वीडियो में हुआ था। तो ये डीवी प्रोडक्ट्स में ये जो नैव, ये इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है, निकाल देते हैं, ठीक है। सॉरी, ये हो गया आपका पेजिनेशन, और ये हो गया आपका डीवी प्रोडक्ट्स रेडी। ओके, और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग फूटर बना दें। तो फूटर के लिए देखिए, यहाँ पर फुल विड्थ है, ठीक है, ये यहाँ से पूरी फुल विड्थ अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये कंटेनर में नहीं आएगा, एक्चुअली आएगा कंटेनर में, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे डालना है। कंटेनर में क्या चीज़ें आने वाली है, ये चीज़ें आने वाली है, देखिए ये चीज़ें कंटेनर में आएंगी अंदर, लेकिन आपको स्टार्ट में इसको पहले फुल विड्थ में डालना है। तो कैसे डालेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये मेरा कंटेंट एरिया है, अभी इसका काम पूरा हो चुका है, कंटेंट एरिया, और ये है मेरा हेडर सेक्शन। ओके, तो मेरे दो मेन सेक्शन रेडी हो गए। अब मैं यहाँ पर सीधे सीधे लिखूँगा फूटर। ओके, और फूटर में आगे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर इसको क्लास दे देंगे फूटर करके, ठीक है। अब ये जो बैकग्राउंड है, ये जो दिखाई दे रहा आपको, ये अलग बैकग्राउंड है और ये अलग बैकग्राउंड है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैंने फूटर डाल दिया, यानी कि ये वाला एक कंटेनर हो गया फूटर का, ठीक है, यानी एक फूटर हो गया। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये अलग बैकग्राउंड होने की वजह से आपको यहाँ पे बैकग्राउंड डालना, यानी एक कॉल SM12 डालना पड़ेगा ये, और दूसरा कॉल SM12 यहाँ पे डालना पड़ेगा, और दोनों के अंदर एक बीजी बीजी करके क्लास देना होगा, बीजी यानी बैकग्राउंड, सिंपल। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो उसके उससे ओके, तो इसको SM12 में नहीं दे सकते, क्योंकि ये SM12 क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि SM12 में देखिए यहाँ पर 15 पिक्सल आएगा, और यहाँ पर 15 15 पिक्सल की स्पेस आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम लोग ये फूटर मान लेते हैं, ठीक है। तो इस फूटर को ही ये वाला कलर देते हैं, और इसको बाद में देखते क्या कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने थोड़ा चेंज किया, माइंड चेंज किया मैंने, जैसे ये फूटर बनाया, तो ये ही मेरा फूटर होगा, और ये जो कलर दिखाई दे रहा है ना, तो ये फूटर में अप्लाई होगा, ये वाले फूटर को ये वाला बैकग्राउंड कलर सीधे सीधे अप्लाई हो जाएगा। ओके, और उसके बाद ये तो डालना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है, क्योंकि ओके, तो दो कंटेनर डाल सकते हैं हम लोग। मेरा कहने का मतलब है, इसके बाद एक कंटेनर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ये कंटेनर आने के बाद, और इसमें इसके अंदर रो आ जाएगा, और 12 कॉलम नहीं, 4 4 4 आ जाएंगे, 4 3 12 ऐसा होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक बैकग्राउंड आ रहा है, तो इस बैकग्राउंड को हम लोग सीधा एक डिव डाल देंगे, और इसको कंटेनर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये छोटी सी टेक्स्ट है, और ये इसको सेंटर कर सकते हैं हम लोग। इसको सिंपल सी टेक्स्ट डालनी है, और ये वाला नीचे थोड़ा सा फ़ोन और ईमेल डालना है। तो चलिए शुरू करते। तो जैसे मैंने ये आपको बोला, ये फूटर है, तो इस फुटर में पहले आएगा क्या, कंटेनर, जो ये आने वाला है मेरा, राइट। तो चलिए इसके अंदर मैं लिखता हूँ कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर में एक हमेशा पहले रो आएगा, क्योंकि कंटेनर के बाद रो आता है, और रो के बाद कॉलम्स आते हैं। ओके, ध्यान में रखना आपको बूटस्ट्रैप में। अब रो के बाद मेरे पास तीन कॉलम्स है, कहने का मतलब है ये 4, फिर ये 4, और ये वाला 4। ओके, तो ऐसे आपको डालने हैं। तो चलिए इसको मैं COL-SM-4, ओके, ये हो गया 4, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, पेस्ट एंड पेस्ट, हो गए मेरे तीन कॉलम्स। तो पहले कॉलम में हेडिंग सेम आने वाली है, तो मैंने हेडिंग्स H2 3 शायद से यूज़ की हुई है, हम लोग यहाँ पर H4 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं H4 यूज़ करता हूँ, और उसमें लिखूँगा मैं क्या, SUBSCRIBE सब्सक्राइब अस। इसके बाद एक सिंपल सा टेक्स्ट है, यानी पैराग्राफ है, तो इसको मैं पैराग्राफ डाल दूँगा, और जो भी कंटेंट है यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे सिंपल यहाँ पर। ओके, इसके बाद
देखिए ये हमारा पेरेंट है और पेरेंट क्लास से पेरेंट क्लास को पकड़ के हम लोग चीज़ें काम कर सकते हैं यहाँ पर। और आपको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना ही है तो इसमें आप अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी इसको आप लिख सकते हो डीवी सब्सक्राइब, यानी ये डीवी सब्सक्राइब वाला सेक्शन हो जाएगा। तो आप सीएसएस अप्लाई करते समय फूटर डॉट डॉट फूटर डॉट डीवी सब्सक्राइब और उसके अंदर की चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। ओके तो ये हो गया। और इसके बाद एक फॉर्म है यहाँ पर, इसको फॉर्म है इसलिए मैं यहाँ पर फॉर्म डालता हूँ। और फॉर्म के अंदर सिंपल सा एक इनपुट है, तो यहाँ पर मैं डालूँगा इनपुट टेक्स्ट और इसका प्लेस होल्डर होगा ईमेल आईडी है। ओके और एक बटन भी है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे इसको क्लास देना होगा, ये फॉर्म कंट्रोल है यानी बूटस्ट्रैप का रेडीमेड क्लास हमें मिल जाता है। और दूसरी बात है ये बटन है, तो ये बटन आपको नीचे ऊपर कहीं भी डाल सकते हो, वैसे भी आपको पोजीशन एब्सोल्यूट ही करना है तो आप ऊपर भी डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा एक बटन डाल देता हूँ और उसको लिखूँगा मैं SIGNUP साइन अप, और इसको क्लास देंगे बटन और बटन साइन अप दे देंगे। ठीक है ओके तो ये मेरा स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ये सिंपल ULLI भी डाल सकते हो या फिर कंटिन्यूसली एंकर भी डाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं सिंपल सा एक डिव बना सकता हूँ यहाँ पे, एक सिंपल सा एक डिव बना लेंगे और इसको एंकर डाल देंगे। ठीक है और एंकर में तीन एंकर्स आएंगे क्योंकि ये सोशल लिंक्स होंगी हमारी। तो इसमें आएगा पहले क्या, फेसबुक है तो फिर आप इसमें जा सकते हो फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पर फिर एक बार आइकन्स लेने के लिए। तो मैं फेसबुक टाइप करता हूँ और मैं ये वाला लेता हूँ। और दूसरा क्या था, ट्विटर और यूट्यूब है तो यहाँ पर मैं ट्विटर डाल दूँगा। तो यहाँ पे ट्विटर आ चुका है और मुझे चाहिए यूट्यूब। और काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ से, आइकन्स आप डाल सकते हो आपके हिसाब से कुछ भी। ठीक है ये वाला तो मैं पहले लेता हूँ फेसबुक, इसको कॉपी करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे सिंपल। और इसी को आपको कॉपी पेस्ट करना है और ये चेंज कर देना है, फॉन्ट ऑसम के फॉन्ट ऑसम का HTML का मार्कअप चेंज करना है सिर्फ। और यहाँ पर ये क्या है, यूट्यूब। ओके इसको भी बंद कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हो गए हमारे तीन सोशल लिंक्स। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए ये सब्सक्राइब आ गया, ये टेक्स्ट आ गया, ये इनपुट फील्ड आ गया आपका यहाँ पर और ये आइकन्स आ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा ये सेक्शन पूरा हो चुका है। अभी हम लोग ये सेक्शन में जाते हैं अबाउट अस में। तो अबाउट अस में जाने के लिए फिर एक बार मैं देखिए, अभी ये डीवी सब्सक्राइब को मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ डीवी अबाउट। ओके तो डीवी अबाउट का सेक्शन आ गया इसके अंदर। अब यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, H4 यूज़ किया, तो यहाँ पर भी मैं H4 ही यूज़ करूँगा क्योंकि ये क्लास सेम है, सेम होना है, यानी जो भी सब्सक्राइब जैसे दिख रहा है वैसे ही अबाउट अस दिखने वाला है, इसलिए मैं H4 ही यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है और ये जो टेक्स्ट है सिंपल कॉपी करनी है आपको और नीचे पैराग्राफ डालना है। ओके पैराग्राफ में अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा लाइन ब्रेक दिखाई दे रहा है डिज़ाइन में, इसलिए मैंने ब्रेक दे दिया। यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपको। अब जाते हैं थर्ड, जो थर्ड वाला सेक्शन है, थर्ड वाला कॉलम है मेरा नेविगेशन। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर भी आपको सिंपल लिखना है डीवी नेविगेशन। और इसके अंदर ये लिंक्स है तो इसको आप ULLI डाल सकते हो या फिर बूटस्ट्रैप में रेडीमेड क्लास है, रेडीमेड आपको UL लिस्ट मिल जाती है, लिस्ट ग्रुप करके है। डॉक्यूमेंटेशन में आप जाओगे, कंपोनेंट्स में जाओगे तो आपको लिस्ट ग्रुप करके कुछ दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिस्ट ग्रुप है, ये सारी लिस्ट आपको ऐसे मिल जाएंगी। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे लिंक्स चाहिए, ये लिंक्स है राइट। तो हैंड आना चाहिए उसके ऊपर ऐसा कुछ दे, देखिए इस पे ऊपर हैंड आ रहा है तो ये लिंक्स अवेलेबल है यहाँ पर। तो आप ये वाले भी यूज़ कर सकते हो या फिर नीचे और अलग टाइप के बटन्स में भी दिए हुए यहाँ पर, तो बटन्स के हिसाब से भी आप यूज़ करते हो। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, लिंक्स चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से नीचे और कुछ नहीं है,
यही काफ़ी है जो अभी हम लोग ने देखा था, ये नहीं, इसकी ये वाली ओके। तो ये सारी लिंक्स है, तो ये सिंपल सी लिंक्स आप कॉपी करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। देखिए सिंपल से यहाँ पर डालनी है ओके। और यहाँ पर कितने होम अबाउट सर्विसेज क्लाइंट एंड कॉन्टैक्ट अस, तो यहाँ पर मैं डालूँगा चलिए मान लो होम, फिर मेरा सेकेंड लिंक है मेरी अबाउट ओके। फिर क्या आने वाला है सर्विसेस ओके, चलो सर्विसेस क्लाइंट्स और कॉन्टैक्ट ओके। तो क्लाइंट्स एंड कॉन्टैक्ट, अब यहाँ पर देखिए ये डिसेबल्ड मुझे नहीं चाहिए। देखिए मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे तो ये वाला डिसेबल्ड है, यानी बूटस्ट्रैप में रेडीमेड एक क्लास मिल जाता है, वो अगर वो आप लगाएंगे तो ये आपकी लिंक डिसेबल हो जाएगी। तो लेकिन मुझे डिसेबल नहीं चाहिए, इसलिए मैं ये निकाल देता हूँ ठीक है। और ये टैब इंडेक्स वगैरह ये सारी चीज़ें की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा ये सिंपल सा रेडी आपको मिल जाता है, ये एक्टिव लगाएंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। आपका पर्सनल भी कर सकते हो, और ये पैडिंग वेडिंग ये सारी चीज़ें आप मतलब अलग से बना सकते हो। सिर्फ आपको क्या मिल जाता है, ये स्ट्रक्चर रेडी मिल जाता है, और आप अपना क्लास अपनी खुद की सीएसएस अप्लाई कर सकते हो, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। अगर ये आपको पसंद नहीं है तो आप सिंपल सा यूएल एलआई भी कर सकते हो, लेकिन मुझे यूएल एलआई ही करना पड़ेगा क्योंकि मेरे डिज़ाइन में कैसा है, देखिए ये अलग है और ये अलग है। तो मैं या फिर आप और एक चीज़ कर सकते हो, इसके अंदर दो कॉलम डिवाइड कर सकते हो। देखिए मैं अभी दिखाता हूँ आपको, जैसे अभी मान लो ये मेरा फर्स्ट वाला ये कॉलम है, तो इसके अंदर मैं एक काम करूँगा और दो कॉलम स्प्लिट करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉल SM -6 लिखूँगा, 6 और 6 12 होता है राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इस 6 को कॉपी कर लेता हूँ और वापस एक बार पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरे क्या हो जाएंगे, दो कॉलम्स हो जाएंगे। देखिए इस तरह से आपके दो लिंक्स कॉलम में डिफरेंट, यानी कैलकुलेट या जो भी आप बोलो, दो कॉलम में डिवाइड हो जाएंगे ठीक है। तो टर्म्स एंड यहाँ पे तीन ही है मेरे, टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड FAQs। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड AMP ओके, एंड आपको HTML में ऐसे लिखना है, और क्या है प्राइवेसी पॉलिसी ओके। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी, और थर्ड वाला जो है वो FAQs, FAQs ओके। और ये दो लिंक्स की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे डिज़ाइन में अवेलेबल नहीं है ओके। अब मैं यहाँ पर जाके रिफ़्रेश करूँगा, तो देखिए ये दो लेटर होने के, यानी ज़्यादा बड़ा होने की वजह से ये नीचे आ रहा है, तो इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको आप कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये देखिए ये सारी पैडिंग ज़्यादा हुई है और काफ़ी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी यहाँ पर, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से हो जाएगी। अगर नहीं होते तो तब हम लोग CSS में देखेंगे उसको कैसे एडजस्ट करते हैं ओके। तो चलिए ये हमारा फुटर तो सेक्शन हो गया, और नीचे वाला कॉपीराइट वाला सेक्शन, कॉपीराइट तो नहीं है ये, कस्टमर केयर वाला सेक्शन है। तो इसके लिए मैंने क्या कहा था, ये दूसरा कंटेनर की ज़रूरत एक्चुअली नहीं पड़ेगी। देखिए मैं आप दिखाता हूँ, मैंने एक फुटर बनाया और एक कंटेनर बनाया ठीक है। तो इस कंटेनर के नीचे मुझे लिखना है, तो मैं सीधे सीधे एक ड्यू डालूंगा ठीक है। मुझे यहाँ पे कंटेनर की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल सा एक ड्यू डाल दूंगा और उसको क्लास दे दूंगा। तो उसको क्लास मैं देता हूँ कस्टमर केयर ओके, सी केयर यानी कस्टमर केयर। तो मैंने सी केयर कस्टमर केयर का एक ड्यू बना दिया, और इसको ही आप डायरेक्टली बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हो। ड्यू जो होता है वो डिफ़ॉल्ट में डिफ़ॉल्ट बिहेवियर उसका डिस्प्ले ब्लॉक होता है, तो इसलिए इसको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, वो ब्लॉक हो जाएगा। सिर्फ आपको बैकग्राउंड देना है और ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे पैडिंग देनी है, और ये दो चीज़ें डालनी है। तो ये दो चीज़ें डालने के लिए मैं यूज़ करूँगा H5, और H5 में डालूँगा कस्टमर केयर जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जाके पेस्ट कर दूंगा। और दूसरी जो चीज़ें हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे मैं स्पैन में डाल दूंगा। स्पैन को भी एक क्लास दे देंगे हम लोग फ़ोन में, यहाँ पर क्लास क्या देंगे इसको, वैसे भी इसको क्लास देने की वैसे कोई खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें पेरेंट मिल गया, तो पेरेंट के हिसाब से आप स्पैन को CSS अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे देखिए बोल्ड है, फ़ोन और ईमेल ये जो है वो बोल्ड है, तो बोल्ड के लिए आप
सिंपल सा बी डाल सकते हो, बी से बोल्ड हो जाती है टेक्स्ट। और इसी को फिर एक बार कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट करेंगे और यहाँ पर ये चीज़ें लिखेंगे सिंपल। ओके, और ये फिर से ईमेल को मैं बोल्ड कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिएगा ये यहाँ पर जाएंगी, बिकॉज़ हमने एक तो कंटेनर डाला नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ है इसको टेक्स्ट सेंटर नहीं किया है, तो बूटस्ट्रैप में रेडीमेड आपको मिल जाता है क्लास, उसका नाम है टेक्स्ट हाइफ़न सेंटर। तो ये करने से आपकी टेक्स्ट ऑटोमेटिकली सेंटर में हो जाएगी, तो आपको कंटेनर डालने की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर। बाकी सी एस एस आप इस सी एस एस के वीडियोज़ में मैं दिखाऊँगा अप्लाई करके, ठीक है। तो बस यही है फुटर, तो इस वीडियो में यही मुझे आपको दिखाना था, फुटर आप कैसे HTML का मार्कअप बना सकते हो। तो यही है गाइस, पूरा HTML मार्कअप इसी तरीके से आपको स्टार्ट करना है, पूरा HTML पूरे वेबसाइट का लिख के लेना है, और इसके बाद आपको CSS धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करनी है। तो मैं अभी अगले वीडियो से आपको धीरे धीरे एक एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो चले इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये वाला जो हेडर सेक्शन है हमारा, ये हेडर सेक्शन को हम लोग CSS अप्लाई कैसे करते हैं, और बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम वर्क कैसे करता है। अगर आपको बूटस्ट्रैप आपको सीखना है प्रॉपर तरीके से, तो मैं बूटस्ट्रैप पे भी न्यूज़ वीडियो सीरीज़ निकालने वाला हूँ, बूटस्ट्रैप 4 में, उसमें आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो। अगर ये बूटस्ट्रैप इस वीडियो में मैं ये सीरीज़ में आपको बूटस्ट्रैप नहीं सिखा पाऊँगा, इसमें PHP 2 बूटस्ट्रैप 4 कैसे बनाते हैं फ्रॉम स्क्रैच ये मैं सिखा रहा हूँ। तो चीज़ें थोड़ी फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे, कुछ भी अगर छोटी छोटी चीज़ें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे तो मैं बता रहा हूँ। वैसे अगर फिर भी कुछ आपको प्रॉब्लम्स आते तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही गाइस, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग CSS अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, हेडर सेक्शन को CSS अप्लाई कैसे करेंगे वो तरीका हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।